माय डियर स्टूडेंट नमस्कार। तो आज हम आपको बताएंगे कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरते हैं, यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इस बार वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि जुलाई से ही छात्रवृत्ति के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन इस बार नया पैटर्न लागू हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो आते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसे ही हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो हमें इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ हम यूपी स्कॉलरशिप जैसे भी हम यहाँ डालते हैं तो ये वाला इंटरफेस खुल करके आ जाता है। तो जो पहले नंबर पे स्कॉलरशिप लिखा है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमें आप देख सकते हैं कि, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे से क्या है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है प्री मैट्रिक क्लास 9 एंड 10। जब इसको हम क्लिक करते हैं तो क्या शो के आ जाता है, स्टार्ट फॉर्म कमिंग सून, लॉग इन इफ यू ऑलरेडी। इसी प्रकार हम क्लास 11th 12th पर क्लिक करते हैं तो इसी में भी ये वही लिखा आता है, स्टार्ट फ्रॉम कमिंग सून। जैसे ही हम पोस्ट मैट्रिक पर करते हैं क्लिक तो वो भी इसी में लिखा जाता है। जैसे हम पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट करते हैं तो भी उसी में यही पॉपअप ओपन होकर आ जा रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान देने योग्य है, तो यहाँ क्या लिखा है, ये जो ये लाइन चल रही है, समस्त छात्र जिन्होंने अभी तक अपने बैंक खाते में आधार शीटिंग नहीं कराया है तत्काल संचालित बैंक खाते में आधार शीटिंग करा लें। तो चेतावनी ये दे दी गई है कि इस बार जो फॉर्म का पैटर्न आया है उसमें सिर्फ आधार कार्ड से ही पैसा डलेगा और इसमें बैंक खाता इसमें नहीं डलेगा। तो जैसे लिखा है नवीनीकरण के सभी छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन जो आवेदन है वो बिना रजिस्ट्रेशन के सीधे भरें। जिन इन लोगों ने आवेदन कर चुके हैं और वो स्कॉलरशिप ले चुके हैं, जैसे 9th वाले 9th में, 11th वाले 11th में, तो जिनके 9th वालों को 10th का भरना है तो वो सीधे ही आवेदन अपना रिन्यूअल में भर सकते हैं। तो ये कैसे, हम कक्षा 9th जो पहले 9th या 10th में फर्स्ट टाइम आवेदन कर रहे हैं तो उस स्कॉलरशिप की साइट पर, तो ये जो होम पेज दिख रहा है इसके बाद स्टूडेंट्स पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन आ जाता है। इस साइट देख रहे हैं आप, प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन और इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन और पोस्ट मैट्रिक अध्ययन लॉगिन। इसी पर रिन्यूअल लॉगिन पर करेंगे क्लिक, तो रिन्यूअल लॉगिन पर जैसे क्लिक करते हैं तो ऐसे ही इंटरफेस उस पर खुलकर आता है, प्री मैट्रिक स्टेटस, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स लॉगिन और पोस्ट मैट्रिक अध्ययन स्टूडेंट्स लॉगिन, ऐसा ही इंटरफेस इसमें खुल के आ जाता है। अब हम मेन पॉइंट पर चलते हैं जो हमें करना है रजिस्ट्रेशन। तो जैसा कि आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पर, जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारा ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा इस इंटरफेस से जो इस तरीके से देखने को मिलेगा क्या, अभी 3 पॉपअप खुल के आ रहे हैं, समाज कल्याण विभाग फॉर SC ST जनरल कैटेगरी। तो SC ST और जनरल कैटेगरी के लिए ये वाला जो 9th 10th में फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ अप्लाई करेंगे। जो OBC वर्ग के कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं वो इस पॉपअप पे जो प्री मैट्रिक फ्रेश पर क्लिक करेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वाले जो माइनॉरिटी में आते हैं वो इस पर क्लिक करेंगे। तो हम कोई एक क्लिक करके देख लेते हैं, जैसे हमें क्लिक करना है पिछड़ा विभाग वाला तो प्री मैट्रिक फ्रेश पर हमने क्लिक कर दिया। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके आ जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा फॉर्म है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या भरना है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट भरना है, ज़िला भरना है, तो ज़िला जो आपका हो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने भर दिया महोबा, तो महोबा इसमें स्क्रॉल करेंगे नीचे, महोबा ये मिल गया, हमें महोबा पर क्लिक कर देते हैं। ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा आपके कार से, वही फिर से खुल के आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेने में ये जो शिक्षण संस्थान इंस्टीट्यूट है उनको सर्च कर लेता है और सभी शिक्षण संस्थान महोबा से रिलेटेड यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम भर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पर GGIC गवर्नमेंट कोई भी भरना है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी, गवर्नमेंट कॉलेज जैतपुर है तो हमें भरना है महोबा वाला, तो ये है महोबा, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से जो जाति समूह होता है, जो कैटेगरी होता है, कैटेगरी में सेलेक्ट करते हैं तो पिछला वर्ग आता है, तो इसमें भी थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमें उसी पेज पर फिर रिडायरेक्ट कर देगा। तो इसमें हम जो धर्म है, हमारा रिलीजन है, वो रिलीजन भर देते हैं, तो हिंदू है। छात्र का नाम है तो छात्र का नाम कुछ भी यहाँ भर देते हैं, जैसे कुछ भी भर देते हैं, यहाँ कुछ भी भर देते हैं हम ऐसे नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ पर हम पे मोबाइल नंबर भरना है जो आपका, वो यहाँ पर फिल कर देते हैं। जैसे ये फिल कर दिया हमने, अब इसके बाद स्वनिर्मित पासवर्ड, न्यूमेरिकल वर्ड्स भी होने चाहिए और इसमें स्पेशल वर्ड्स भी होने चाहिए और अल्फ़ाबेट के कैपिटल वर्ड्स भी होने चाहिए और स्मॉल वर्ड्स भी होने चाहिए करते हैं। यहाँ पर जैसे न्यूमेरिकल वर्ड्स जो 25 फिल करते हैं और ये एट द रेट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम कोई हम फिल करते हैं यहाँ पर जैसे न्यूमेरिकल वर्ड्स जो 25 फिल करते हैं और ये एट द रेट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम कोई कैपिटल लेटर में जैसे हमने आर भरा, फिर स्मॉल में ROS जी भरा। स्वनिर्मित पासवर्ड और स्वनिर्मित पासवर्ड कन्फर्म करें दोनों सेम होना चाहिए। इसके पश्चात हम
कैप्चा फिल कर देते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो ये वाला इंटरफेस खुल कर आ जाता है। यहाँ जो मोबाइल नंबर हमने फिल किया है उस पर ओटीपी जाएगा, यहाँ ओटीपी फिल करेंगे। फिर इसके बाद हम एक कैप्चा डाल करके हम ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये वाला इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जिसमें आप दिख रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है स्पष्ट क्लियर दिख रहा है और इसमें नाम, इसको हम प्रिंट करके रख लेते हैं, इसके हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी भरा गया है उसका नाम और ये जन्मतिथि और उसका मोबाइल नंबर, इस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको हम नोट कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जो अगला प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो हम किस तरीके से भरेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।